और जेल विभाग द्वारा इंदौर में सेंट्रल जेल के नजदीकी पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ। ये पेट्रोल पंप जेल विभाग द्वारा ही बनाया गया, वहीं से कर्मचारी जेल के कैदी ही रहेंगे। पेट्रोल पंप का शुभारंभ जेल डीजी अरविंद कुमार के हाथों में किया गया। इंदौर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा इंदौर शहर में पहले से ही पुलिस पेट्रोल पंप संचालित किए जा रहे हैं, वहीं जेल विभाग द्वारा भी एक नया पेट्रोल पंप बनाया गया जिसका शुभारंभ आज जेल डीजी अरविंद कुमार के हाथों किया गया। इस पेट्रोल पंप की खासियत यह है कि इस पेट्रोल पंप पर सभी कर्मचारी जेल के ही कैदी हैं। ये वे कैदी हैं जो 15 वर्षों से अधिक की सजा काट चुके हैं और इनका आचरण भी अच्छा है। ऐसे कैदियों को यहाँ का कर्मचारी बनाया गया। वहीं पत्रकारों से चर्चा में अरविंद कुमार ने बताया कि पेट्रोल पंप जेल विभाग द्वारा बनाया गया है जहां बंदियों को भी रोजगार मिलेगा। जेल डीजी अरविंद कुमार ने कहा कि कई साल पहले जेल की स्थिति में अब जेलें बेहतर स्थिति में हैं। 125 करोड़ के देश में नई जेलों को बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब सभी जेलों में सुधार हो रहा है। कोरोना काल में इंदौर की जेल एक नंबर पर रही है। वहीं जेल में हुए झगड़ों पर डीजी ने कहा कि ऐसी जगहों पर रोक लगाना मुश्किल है, यह एक आम बात है। इसके पहले भी कई शिकायतें आ चुकी है, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और ऐसी आगे स्थिति न हो उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पेट्रोल पंप हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, अगर ये सफल होता है तो आगे और ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाएंगे ताकि बंदियों को भी रोजगार मिल सके। इंदौर के सावे रोड पर बन रही जेल पर कहा कि अभी वह लंबा प्रोजेक्ट है, अब इसको बनने में और समय लगेगा, उसमें काफी टेंडर होने हैं जो अभी बकाया है। वहां की जेल बनने में अभी लंबा समय लग सकता है। बताएं आज यहां पर आप जैसे नौकरी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जेल का पेट्रोल पंप है, हम लोग खुली जेल के हैं, 9 बंदी हैं, 9 ही लोग यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमें क्या रोजगार मिल गया। वैसे पेट्रोल पंप नहीं था तो हमें रोजगार ढूंढने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। किसी को भी हम बोलते थे कि भाई हम जेल के बंदी है तो वो हमें काम देने से मना करते थे कि नहीं नहीं जेल का है, कौन इस माता बच्ची में घुसे, और ये इस पेट्रोल पंप पे हमें काम बड़े आसानी से मिल गया। और विभाग के पेट्रोल पंप पे कितने वर्षों से आप जेल में थे? मैं 15 वर्षों से जेल में हूँ। किस अपराध में? मेरे एक मर्डर केस में हूँ मैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और कितना पैसा मिलेगा आपको इसका? करीब 8,000 से अधिक ही मिलेगा, 8,000 से ज़्यादा, जो भी तय करते हैं। आपको नौकरी भी दी गई? हाँ, नौकरी भी दी गई। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत खुश है हम लोग कि हमें बड़े मतलब रोजगार भी मिल गया और खुली जेल भी यहीं पर है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील गवली है, मैं नलखेड़ा का रहने वाला हूँ। ये अन्य विभागों खासतौर पर पुलिस विभाग में ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और वहीं से एज अ वेलफेयर मेजर और पब्लिक की सुविधा के लिए और हमारे कर्मचारियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, कुछ कुछ फंड जनरेशन के लिए इसको एक बहुत अभिनव प्रयास है। और इसके लिए इंदौर रेल प्रशासन और इंडियन ऑयल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, जेल व्यवस्था जो है वो एक तरह से सरकार के ऊपर एक खर्च की तरह होती है, ऐसे में ये जो कंसेप्ट है कि आने वाले समय में जेलों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण, देखिए ये हम भारत में रहते हैं, ये जो निजीकरण ऑफ प्रिजंस है और ये सब चीज़ें हैं ये पश्चिम देशों की चीज़ें हैं, हमें अपने हिसाब से चलना है। लेकिन ये ज़रूर है, ये एक छोटा प्रयास है, इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ इसको चलने की बहुत गुंजाइश है, इसलिए इसका यहाँ चुनाव किया गया। लोकेशन भी ये बहुत अच्छी है, तो हम प्रयास करेंगे कि और कम से कम जितने हमारे बड़े लोकेशन हैं वहाँ पे हो, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन होगा, गुड क्वालिटी ऑयल पब्लिक को मिलेगी, अच्छी सर्विस मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सेल होगी। मैडम, टारगेट क्या है इसका मंथली? मंथली हमारा करीब 500 KL तक जाएगा, 500 मिनिमम। 500 मतलब 5 लाख लीटर? हाँ, तो 5 लाख लीटर इज़ अ बिग, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ये टारगेट है। और हम तो अगर अच्छी सर्विस देंगे तो इंदौर की पब्लिक इसको और थोड़ा बहुत खर्च करके भी यहाँ आएंगे तो यहीं डलवाएंगे। प्रदेश भर में इस कंसेप्ट को और किस तरह आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसका पहले एक्सपेरिमेंट देखेंगे, 1 महीना 2 महीना, उससे कुछ सीख लेंगे ताकि फिर आगे वाले जो हैं उनको फिर हम अलग से बढ़ाएं। सर, इसमें कैदी ही सर्विस देंगे सर? इसमें कैदी, ये मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता, मैंने ये जानकारी नहीं ली, लेकिन क्यों भाई सर,
कैदी जो जेल से छूटे कैदी हैं, छूटे हुए हैं और जो अभी खुली जेल में रह रहे हैं। अच्छा, वो कैदी। तो आपको उन्होंने बताया खुली जेल में तो वही लोग हैं जो जिनकी लंबी अवधि जेल में व्यतीत हुई है, आखिरी के एक आध दो साल बचे हैं उन्हें हमने खुली जेल में रखा है, तो उसके साथ साथ ये काम भी करेंगे, कुछ पैसा भी कमाएंगे और समाज के लिए उपयोगी काम करेंगे। तो सर जो बरी हो गए हैं कोर्ट से वो नहीं, बरी वाले तो फिर अपने अपने व्यवस्था में लगे हैं, ये तो वो लोग हैं जो जिनको लंबी अवधि की सजाएं हुई वो पूरी लगभग हो गई, तो आखिरी के एक दो साल उनको खुली जेल में रखने के अभी प्रावधान हैं ताकि वो समाज में उनका धीरे धीरे वो परिवार से जुड़ जाएं, उन लोगों को यहाँ उपयोग किया जाए। कितने लोग सर फर्स्ट फेज में कितने लोग डिप्लॉय किए आपने? अभी हमारे पास 8 कैदी हैं खुली जेल के, और जो जनरल बंदी हैं जो रिहा हो गए हैं पैरोल से सजा काट के, तो हमारे पास 3 हैं। 11 लोग लगेंगे हीनियस क्राइम के, जो मर्डर वगैरह के भी कन्विक्ट है या अंडर ट्रायल, जिनके पास रोजगार के साधन नहीं है। अंडर ट्रायल कोई भी नहीं, अंडर ट्रायल को ये उसके लिए व्यवस्था नहीं है, ये जो सजाया भी है उन्हीं के लिए। सर पिछले दिन इंदौर की जेल में कुछ कैदियों के साथ जेल में मारपीट के मामले आए जिनमें वसूली जैसे आरोप लगे, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इंदौर सहित प्रदेश भर में क्या हम कोई पुख्ता कदम उठाने जाएंगे? कदम ये कोई पहली बार नहीं है इस तरह की शिकायतें इंदौर में हुई हों। जेल व्यवस्था में जहां आप किसी को परिरोध में रखोगे उसका वो हर आदमी तो शांति से बैठता नहीं है, विरोध करता है, कोई मुँह से विरोध करता है, कोई हाथ पैर से विरोध करता है, तो जो लोग हाथ पैर से विरोध करते हैं उन्हें रोकना भी ज़रूरी होता है, तो ये व्यवस्था का हिस्सा है। फिर भी मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की जेलों में जो स्थिति है शिकायतों की मार इस तरह की, वह बिल्कुल पूर्णतः नियंत्रण में है। इक्का दुक्का होती रही हैं, होती रहेंगी, जैसा मैंने बताया जब आप अपराधियों से और इससे डील करोगे तो ये होगा, पर प्रयास हमारा ये है कि जो नियम कायदे मैनुअल हमारे निर्देश बने हुए हैं उन्हीं के अनुरूप कार्रवाइयाँ हों। हम लोग ओवर बर्डन हैं ये आप सब जानते हैं, 1150-1150 की जेल में जब आप 2600 लोग रखोगे तो दिक्कतें तो आएंगी। कैदियों के भोजन खर्च का जो बजट होता है इसे